खेसारी लाल यादव की सुपर हिट फिल्म फरिश्ता कल YouTube पर रिलीज होती है और रिलीज के मात्र 20 से 22 घंटा ही बीते थे कि उनके फिल्म पे जो व्यू आते हैं 2 मिलियन भी क्रॉस कर जाते हैं। 2.5 घंटे की फिल्म ने जो है लोगों को इतना इंटरटेन किया कि लोग भी इसमें प्यार अपना दिखाते गए और ये व्यू का आंकड़ा जो है लगातार 20 से 22 घंटों को लेकर के अब जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। 2 मिलियन भी ये 2 मिलियन से ज़्यादा व्यू जो है अभी इस फिल्म तक आ चुके हैं। एक जैसे भोजपुरी के गाने का हाल मतलब चल रहा था, यहाँ तक कि पावर स्टार पवन सिंह के गानों की अगर हम बात करते हैं तो रिलीज होते ही 24 से 25 घंटे जब बीते थे तो भी मिलियंस पार नहीं कर पाता था, जिसका ताज़ा उदाहरण है धनिया ये जान। आप देख सकते हैं इस समय खेसारी लाल यादव इतना परेशान चल रहे हैं क्योंकि उनका जो गाने का जो विवाद चल रहा है उस विवाद को तो आपको बहुत ही अच्छा तरह से पता होगा कि किस संकट से खेसारी लाल यादव जूझ रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव बर्बाद हो चुके हैं, अब वो गाना नहीं गा पाएंगे क्योंकि जब वो गाना गाते हैं तब जो है गाना उनको डिलीट करवा दिया जाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव का जलवा अभी तक बरकरार है। खेसारी लाल यादव जी के 2.5 घंटे की फिल्म आता है और 2.5 घंटे के फिल्म लगने के बाद दर्शक इतना प्यार दिखाते हैं कि ये फिल्म जो है एक दिन के अंदर ही 2.2 मिलियन व्यू जो है चले जाते हैं। ये फिल्म जो है 2.2 मिलियन व्यू पार कर जाते हैं और इस वीडियो में हम इसी सब को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि खेसारी लाल यादव क्या वाकई में बर्बाद हो चुके हैं या खेसारी लाल यादव में आज भी वो टैलेंट है कि क्या खेसारी लाल यादव आज भी ट्रेंडिंग स्टार ही हैं, कल भी ट्रेंडिंग स्टार थे। इसको लेकर के हम एक एक का बिंदु पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें आप देख रहे हैं फ्रेश फोकस और मैं हूँ आपके साथ शेख इसराफिल आलम। खेसारी लाल यादव का फिल्म फरिश्ता जो हॉलों में सिनेमाघरों में काफ़ी सुपर डुपर हिट रहती है, इस फिल्म की कमाई के मामले में एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मात्र 24 घंटे में 10 करोड़ से ज़्यादा की कमाई इस फिल्म ने कर लिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये एक मिसाल बन गया है कि सिनेमा घरों में जो है दर्शक जाना छोड़ चुके थे, जो दर्शक त्याग दिए थे कि अब हम भोजपुरी फिल्म अच्छी नहीं होती अब हम सिनेमा घरों में नहीं जाएंगे, अब वो दर्शक भी सिनेमा घरों में जाना चालू कर दिए हैं। अब जो है वहाँ पे भोजपुरी का ये फिल्म जो है बता रहा है कि अभी भी जो है डाउनफॉल जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अंदर जो चल रहा था अब यहाँ से डाउनफॉल खत्म होने वाला है और खेसारी लाल यादव जो है अब डाउनफॉल से इस फिल्म का जो इंडस्ट्रीज है उसको दोबारा निकाल देंगे। और जैसे जैसे लोगों को लगता था कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो हॉलें जो लगती थी जिस फिल्म को जो है चलाया जाता था हॉलों से, वो एक दशक था जो भोजपुरी फिल्म जो है लगती थी और उस समय लोग देखते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे बंद हो गया था। लेकिन अब लोगों के अंदर एक उम्मीद जग गई है कि सिनेमा घर जो बंद थे अब फिर धीरे धीरे चालू हो जाएंगे। इसको लेकर के पूरा इंडस्ट्रीज जो है गम में डूब चुका था कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन खेसारी लाल यादव की इस फिल्म ने ये साबित कर दिया है कि जिसके सामने ऑडियंस है, जो ट्रेंडिंग स्टार रहता है, ट्रेंडिंग स्टार है, उस स्टार को लेकर के फिल्म इंडस्ट्री कैसे इतना डाउनफॉल में जा सकती है। जैसे आपको पता होगा कि एक समय था कि मनोज तिवारी फिल्म लेकर आते हैं ससुरा बड़ा पैसा वाला, दोबारा फिल्म इंडस्ट्री जो है शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में जो है सिनेमा घरों में लगना बंद हो जाती है, डाउनफॉल आना चालू हो जाते हैं और लोग टिकट भी खरीदना जो है छोड़ देते हैं। यहाँ तक तो कहा जाने लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज मात्र जो है यूट्यूब और OTT तक ही सिमट करके रह जाएगी। और यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म जो है आपको पता ही होंगे कि अच्छे से कि यूट्यूब पर किस तरह के वीडियो डाले जाते हैं, लोग किस तरह से देखते हैं, किस तरह से अर्निंग होती है। लेकिन फरिश्ते मूवी आती है तो इतना सारा रिकॉर्ड बनाती है कि लोग जो है टिकट के लिए मार करने लगते हैं तमाम अलग अलग जगहों पर। जैसे कि अगर हम बात करें तो बिहार पटना जैसे जगह पे, UP जैसे जगह पे, झारखंड हो या मुंबई हो, दिल्ली हो, तमाम ऐसे जगहों पर जब भी ये फिल्म रिलीज हुई तो पहले दिन अपना जलवा जो है दिखाना चालू कर देती है और लोगों ने अपना प्यार जो है खूब दिखाते हैं खेसारी लाल यादव को। और उन लोगों के मुंह पर भी ये तमाचा लग जाता है जो लोग कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव बर्बाद हो चुके हैं, अब खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सुनने वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला कोई नहीं है। अब इस पूरी के पूरे फिल्म को लेकर, फरिश्ते फिल्म को लेकर, खेसारी लाल यादव को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।